नमस्कार बालक, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपको अगर आपका कोई बैकग्राउंड प्रोसेस आपका डेटा यूज़ कर रहा है, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे कि देख सकते हैं जो है सो रिसोर्स मॉनिटर में बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली मतलब नेटवर्क से संबंधित कुछ नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो कैसे पता करें कि डिटेल नेटवर्क से संबंधित ही कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है नेटवर्क या फिर कौन सा नहीं यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके लिए टर्मिनल जो है सो खोल लीजिए और एक कमांड रन कीजिए। पहले एक कमांड रन कीजिए, सूडो ऐप्ट गेट अपडेट। इससे बेसिकली आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए और इसको होने दीजिए। और देख सकते हैं मेरा हो गया। उसके बाद दूसरा कमांड रन करना है, sudo apt get install ifttop। देख सकते हैं जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा ही टाइप करना है। उसके बाद देख सकते हैं ये बेसिकली उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और बेसिकली वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसको रन करने के लिए टाइप कीजिए sudo ifttop। उसके बाद एंटर मारिए। तो देख सकते हैं ये बेसिकली आपको डिटेल दे देगा कौन कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है, कौन कौन यूज़ कर रहा है। मेरे में चूंकि अभी कोई नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहा है, बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क यूजेज 0 बाइट्स पर सेकेंड है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डिटेल आ रहा है। अगर कोई यूज़ कर रहा होता तो यहाँ पे बेसिकली डिटेल आता। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में आपका कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।